हम लोग अभी सोमनाथ मंदिर आ चुके हैं। अभी एंट्री पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा गेट। यहाँ से जो है हमको भी राइट लेना है और ये देखिए सोमनाथ प्रभास पाटन वाला गेट है, बहुत ही बढ़िया। इधर से अपने को जाना है, ले लेते हैं इस तरफ। ये सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन गेट। पहले जो ये एरिया जो था वो प्रभास तीर्थ के नाम से जाना जाता था और बाद में यहाँ पर जो है वो तीन नदियों का संगम होता है, उसकी वजह से दोस्तों इसको प्रभास पाटन गेट के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास देखिए पहुंच ही चुके हैं। अभी यहाँ से काफी सारी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पास में। देखिए इधर भी पार्किंग है। यहाँ से जो है वो आई थिंक यहाँ से चल के जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। पार्किंग चार्ज जो है वो दोस्तों ऑटो रिक्शा का 30 रुपया है और कार का 50 रुपया है और बस या ट्रक कुछ हो तो 100 रुपया एंट्री फीस। ये है यहाँ का विशाल पार्किंग। पार्किंग जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जोरदार है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ पर पार्किंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग एरिया। और अभी हम जो है वो पार्किंग एरिया से बाहर आ गए हैं और मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में हमको दोस्तों यहाँ पर वो जो तिलक और करने के लिए छोटे छोटे बच्चे मिले थे, तो मैंने यहाँ पर अपने माथे पर सोमनाथ और इसका तिलक करवाया है। आइए अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सोमनाथ महादेव का मंदिर और वहाँ पर आसपास का किस तरह का नज़ारा है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए ये अभी हम सामने जो सूर्य जो दिख रहा है उसके पास में ही मंदिर है और यहाँ से जो है वो रास्ता जा रहा है। हम धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, संडे का दिन है तो। और ये देखिए बीच में एक सर्कल है, हमीर सिंह जी सर्कल इसका नाम है और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी गौरव गाथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी विदेशी हमलावरों ने जब यहाँ पर जो है वो हमले किए थे और मंदिर को जो है वो कई बार खंडित कर दिया था, तो उसमें इन्होंने जो है वो वीरता वीर गति प्राप्त की थी और फिर उनका सर जो है वो सोमनाथ महादेव के चरणों में चढ़ाया गया था, तो उसकी वजह से इसका भी जो है वो बहुत ही महत्व है। आइए अभी हम जो है वो मुख्य गेट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा और मोबाइल वगैरह वो सब जो है वो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर का ही आपको परिदृश्य जो है यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए इस तरह से पूरा माहौल रहता है, चारों तरफ जो है वो दुकानें वगैरह लगी हुई है और ये देखिए मंदिर के पास पास में जो है वो इस तरह से दुकानें लगी हुई है और मुख्य जो गेट है उसे आधा किलोमीटर अंदर जो है वो मंदिर का परिसर आता है। तो ये आप इस वीडियो के अंदर देखते जाइए। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के इतिहास की दोस्तों अगर बात करूं तो इस मंदिर को जो है विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने 6 बार खंडित कर दिया था और 7वीं बार जो है वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने वापिस इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और अभी की स्थिति में जो मंदिर है वो उन्हीं के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है। तो इस तरह से पूरा इसका यहाँ का इतिहास है और इसको जो है प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो भारत के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें इस मंदिर को जो है सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी दोस्तों पूजा जाता है। तो ये देखिए बाहर से मैं आपको इस मंदिर का जो नज़ारा है दोस्तों बता रहा हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है सो इसलिए आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए। और दोस्तों अगर आप भी इस मंदिर में आरती का दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो दर्शन का जो टाइमिंग है दोस्तों वो सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक का है और आरती का जो टाइमिंग है दोस्तों वो सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को फिर से 7 बजे जो है वो आरती होती है। तो अभी दोस्तों हम जो है वो वापिस आरती और दर्शनों का लाभ लेकर के बाहर आ चुके हैं। शाम का समय है और इस तरह से बाहर एग्जिट हम जहां पर हुए हैं वहां पर इस तरह से देखिए ये पूरा मार्केट लगता है, खिलौनों का मार्केट है और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहां पर पाथरना वाले जो है वो अपना माल सामान ला करके बेचते हैं। तो ये देखिए शाम के टाइम पे भी जो है वो बहुत ही भीड़ जो है 150 होती है
और आसपास में बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं जहां पर बहुत ही रिजनेबल रेट पे दोस्तों जो है वो आप रुक सकते हैं, और खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहां पर जो है आपको मिल जाएगी। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अगर दोस्तों आना चाहते हैं तो सबसे, अगर आप ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो वेरावल रेलवे स्टेशन है, और अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अहमदाबाद या राजकोट या दीव का जो हवाई अड्डा है वहां पर आ सकते हैं, और वहां से बाई रोड जो है आप इस मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह का पूरा नज़ारा है दोस्तों सोमनाथ महादेव मंदिर का। और ये देखिए बाहर की साइड जो है वो काफ़ी सारे बच्चों के खिलौने वगैरह वो सब लेकर के लोग बैठते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। तो बहुत ही हमारी ये यात्रा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी, बहुत मज़ा आया इस यात्रा में। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना ताकि भविष्य में आपको आने वाले वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा नाइट का नज़ारा जो है मंदिर के बाहर का रहता है। यहाँ पर दोस्तों आसपास में दूसरे भी काफ़ी सारे तीर्थ स्थान है, जैसे भालका तीर्थ है, रामेश्वर मंदिर है, राम जी मंदिर है, और इस तरह के जो मंदिर है यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बाणगंगा तीर्थ है, त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप जाना चाहे तो समय निकाल करके जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ट्रिप का अनुभव हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे जो है वो मंदिर से वापिस परिसर से बाहर आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो बताऊँगा वो है सोमनाथ दरिया का, और उसके बाद जो है वो सोमनाथ वॉकवे जो बना है नया उसका भी मैं आपको वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी देने वाला हूँ, तो आप उसमें भी बने रहिएगा। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब आभार, थैंक यू।